हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ अनूप और मेरा आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। क्या आपको ग्रेटिट्यूड हैप्पी और सक्सेसफुल बना सकता है? जी हाँ, बना सकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग जो हमारे पास नहीं है उस चीज़ का उम्मीद करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास है उससे हम ज़रा भी खुश नहीं हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर। एक भाई जो है वो पैदल जा रहे हैं और उन्होंने अपने बगल से देखा कि एक साइकिल गुजर गया, तो उन्हें लगा कि काश मेरे पास भी एक साइकिल होता तो कितना अच्छा था। उसके बाद एक साइकिल वाले भाई जा रहे थे तो बगल से एक मोटरसाइकिल गुजरा, तो उन्होंने भी सोचा कि काश मेरे पास भी एक मोटरसाइकिल होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। तो इसी तरह से उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बाइक वाले जा रहे थे तो उसके बगल से एक फोर व्हीलर गुजरा, तो उन्होंने सोचा काश मेरे पास भी फोर व्हीलर होता कितना अच्छा होता। तो जो भी हमारे पास है उससे हम खुश नहीं हैं, लेकिन जब जो भी औरों के पास है उसकी हम लालसा करते हैं और वो मिल जाए तो भी हम खुश नहीं होंगे, बल्कि उससे और भी हम ज़्यादा चाहेंगे। तो ये इंसान का नेचर है। हम जो है उस पर अच्छी चीज़ है उसके ऊपर देखते नहीं, फोकस नहीं करते, बल्कि दूसरों के पास जो चीज़ है वो ज़्यादा हमें अच्छी लगती है, और हमारे पास जो है वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती या उससे हम खुश नहीं हैं। अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि हमारे पास एक छोटा डॉगी है, तो जब भी मैं उसे कुछ भी देता हूँ या नया कुछ देता हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसे खाता है और इतना पूँछ हिलाता है कि कभी कभी पूँछ हिलाते हुए गिर भी जाता है। तो मुझे ये देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी लगता है कि मैं मेरे अंदर ये होता है कि मैं उसे और क्या दूँ कि वो और भी ज़्यादा खुश होगा, मैं उसे और क्या नया चीज़ दूँ कि उसे वो खा के और भी ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि मुझे उसकी खुशी देख बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है देखने को। तो इसी तरह से क्या होता है कि अगर मेरे पास जो भी चीज़ है अगर हम उसके लिए थैंक यू बोले, उसके लिए खुश हो, तो हमारे पास वो चीज़ें या ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा आएंगी, समय के साथ आएंगी, वो चीज़ें हमारे साथ और भी अच्छी होंगी। तो आज हमारे पास अगर हमारे हाथ पैर सही है तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, हम सबों को थैंक यू बोलना चाहिए। आज हम हमारे पास पहनने को कपड़े हैं तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके तन में कपड़े नहीं हैं और इतने ठंड में भी वो रोड पर, रास्ते पर, फुटपाथ पर सोते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक मतलब रोज़ रोज़ अन्न को नहीं देखा, खाने को नहीं देखा, और आज हमारे पास खाने को भी है। अगर घर में एक दिन अच्छा सब्जी नहीं बने या थोड़ा मसाला कम हो तो हम नाराज़ हो जाते हैं कि आज कुछ अच्छा नहीं है, हर दिन एक ही तरह का सब्जी, बोरिंग सा मने खाना, जबकि बहुत से लोगों को रोज़ आधा पेट भी खाने को नहीं मिलता। जीने के लिए जितना ज़रूरी है उतना भी उनको अन्न नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास रोज़ खाने के लिए है, आज भी है और कल एडवांस में हमारे पास महीने भर का भी खाना है, तो भी हम खुश नहीं होते। हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार में सारे मेंबर हैं और सारे मेंबर स्वस्थ हैं, फिर भी हम खुश नहीं होते। हमारे मेंबर्स के पास, सबों के पास मोबाइल है तो भी हम खुश नहीं होते। सारे लोग एक साथ में रहते हैं, परिवार में सारे मेंबर एक साथ कहीं आना जाना करते हैं, फिर भी हम उतने खुश नहीं हैं। तो हमें खुश रहने का एक आदत बनाना होगा और हमें जो भी है उसके लिए थैंक यू बोलना होगा, धन्यवाद देना होगा, ईश्वर को धन्यवाद देना होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उनके शरीर में बहुत सारी परेशानी है, दिक्कत है, वो खा नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनको हर दिन खाने में परेशानी होती है, उनके गले में किसी तरह की परेशानी है, गंभीर बीमारी है, तो रोज़ उन्हें खाने में भी दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सुबह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि खाने में भी दिक्कत होता है, बाहर निकालने में भी दिक्कत होता है, फिर भी वो खुश हैं। लेकिन हम सभी जो है हमारे पास बेहतर, हमारे हाथ पैर सही हैं, हमारे पास जो भी है कम सैलरी है लेकिन हम खुश नहीं हैं। बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं या सोचते हैं कि एक बार मुझे जॉब मिल जाए तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। तो मेरे पास जो भी है उससे हमें खुश रहना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, हर दिन धन्यवाद देना चाहिए। जब भी हमारे पास ऐसा कुछ होता है, कोई नया चीज़ नहीं हो लेकिन हमें परेशानी नहीं है, हमें खुश होना चाहिए।